बिहार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं का फ्री बिजली पानी बस योजना का विरोध थमा नहीं है। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल सरकार की बिजली बस मुफ्त करने की योजना का माखोल उड़ाया गया है। बीजेपी सांसद विजय गोयल के घर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, काम करो ना करो, 2 महीने बिजली बस मुफ्त करो, मुफ्त का चंदन घिस अरविंदम, लोक अभियान। दिल्ली चुनाव के दौरान विजय गोयल ने भी फ्री बिजली पानी बस का मुद्दा बनाया था, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा नहीं है। बीजेपी सिर्फ 70 में से 8 सीटों पर ही जीत पाई। इस बीच दिल्ली चुनाव में हार के कारण जानने के लिए बीजेपी ने मंथन किया। मंथन के दौरान पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि दिल्ली का चुनाव बाइपोलर हो गया था, जिस कारण बीजेपी की हार हुई। मंथन के बाद पार्टी नेताओं ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमट गया। कांग्रेस ने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में मिले 10% के बराबर भी इस चुनाव में वोट शेयर हासिल नहीं किया। यही कारण है कि पार्टी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं जीत सकी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में नेताओं ने हार के पीछे कई तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सत्ता, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर जैसी योजनाओं का दांव चलकर एक वोट बैंक तैयार कर लिया। साथ ही कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिला। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि शाहीन बाग के शोर में बीजेपी के संकल्प पत्र के तमाम वादे दब गए। पार्टी सही तरह से दिल्ली की आम मतदाताओं से कनेक्ट नहीं हो सकी। वहीं कुछ नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ गैर जरूरी विवादित बयानों को उठाए जाने से जनता में नकारात्मक संदेश भी जाने की बात कही। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।